दोस्तों, अगर आपने करी पत्ते का पौधा घर पे लगाया हुआ है, गमले में लगाया है या जमीन में लगाया है, आज मैं उसकी पूरी केयर बताऊंगा किस तरीके से आप उसकी केयर करेंगे जिससे कि उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। और उसमें एक ऐसी खाद का प्रयोग मैं बताऊंगा जो आपके घर पे ही मौजूद है, और उसको यूज कैसे करना है उसकी जानकारी पूरी दूंगा। आप वीडियो में बने रहिए, मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, करी पत्ते का पौधा वैसे तो एक जंगली पौधा होता है, लेकिन इसको कई लोग घर पे भी लगाते हैं, जैसे मैंने घर पे लगाया हुआ है। देखिए इस तरीके से, आप इसको घर पे अगर जमीन पे लगा रहे हैं तब तो कोई ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो उसमें बहुत केयर करनी पड़ती है इसकी, तभी ये घना हो पाता है। क्योंकि करी पत्ते का पौधा घना होगा तभी इसमें पत्तियां ज्यादा आएंगी और आप उनका यूज करोगे। करी पत्ते का पौधा वैसे तो एक आयुर्वेदिक पौधा माना जाता है। इसकी पत्तियों का जो सेवन करते हैं कई लोग, और इसको कई लोग अपनी सब्जी या कोई करी बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, इसका छौंका लगाते हैं। तो इस तरीके इसको कैसे घना करा जाता है वो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले जो करी पत्ते का पौधा होता है, ये देखिए मैंने जो करी पत्ते का पौधा लगाया था कितना घना हो रहा है। ये इसकी मैंने 1-1.5 महीने पहले प्रूनिंग कर दी थी, प्रूनिंग यानी इसकी कटाई छटाई कर दी थी, उसके बाद इसमें जो है नई नई ग्रोथ आ रही है। ये देखिए इसमें कुछ फ्लावर्स भी आ रहे हैं, फ्लावरिंग भी होने स्टार्ट होगी इसमें। तो अगर आप इसको फूलों को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं इसमें, जब बाद में बीज बनेंगे तो आप बीजों को दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, नए करी पत्ते के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो करी पत्ते के पौधों को घना करने के लिए आप अगर प्रूनिंग नहीं करिए करी पत्ते के पौधे में, जैसे देखिए मेरा करी पत्ते का पौधा देखिए कितने एक बाल्टी में लगा हुआ है छोटी सी, और देखिए कितना घना होते जा रहा है। इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, ये देखिए मैंने जहां से प्रूनिंग करी है इसकी, उसके बाद इसमें 3-4 ब्रांच नीचे से आ गए हैं। तो अगर आप भी अभी टाइम से इसकी प्रूनिंग कर दें, इस समय इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, इस समय इसकी आप प्रूनिंग कर दें तो आपके भी पौधे में अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। एक पौधा मैंने देखिए ये गमले में भी लगा रखा है, इसी की मैंने जो मदर प्लांट है इसी की कटिंग लगाई थी एक गमले में, और देखिए ये भी कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसको भी लगाए हुए करीब 3-4 महीने हो गए हैं और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इसकी मैंने एक बार हल्की सी प्रूनिंग कर दी थी। 3-4 महीने बाद जब इसमें हल्की ग्रोथ स्टार्ट होगी, मैंने ऊपर का जो हिस्सा होता है इसका पिंच कर दिया था, उसके बाद इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होगी है। तो अगर आपके करी पत्ते के पौधे की पत्तियां जो पीली पड़ती हैं, उसका एक मेन जो कारण होता है, जो पीली पत्तियां पड़ जाती हैं इसमें आप पानी की मात्रा ज्यादा कर देते हैं। और इसमें जो सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा है, अब ये जो गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, उस समय करी पत्ते की पौधे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ के गिर जाती हैं। आप इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर आपका बड़ा पौधा है तो उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरेंगी, क्योंकि वो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं। इस तरीके से देखिए ये जो पुरानी पत्तियां होती हैं ये पीली होकर गिर जाती हैं, और इसमें नई ग्रोथ जो स्टार्ट होती है वो ये देखिए नई ग्रोथ जो स्टार्ट होती है वो हरे पत्ते, जो बिल्कुल चमकदार पत्ते आपको दिख रहे होंगे इसमें। आप जब लगाते हैं गमले में इसको, इसकी बीच बीच में अगर आप गुड़ाई कर दें, हल्की हल्की जो है पौधे की 2-3 दिन में गुड़ाई करते रहें, हल्की हल्की करनी है, ज्यादा नहीं। अगर आप की मिट्टी अगर अच्छी बनी है, पोरस बनी है, तो उसमें ज्यादा गुड़ाई की जरूरत नहीं होगी। देखिए जैसे मैंने बिल्कुल पोरस मिट्टी बनी है इसकी, इसमें पानी रुकता नहीं है। अगर आप पानी रुकेगा पौधे की गमले में तो आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो बिल्कुल खराब हो जाएंगी, उसमें फंगस आ जाता है। इसलिए आप पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करते रहें, इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहता है पौधे की जड़ों में, तो उससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधों की जड़ों में जो है फंगस नहीं लगता है। तो आप जब जैसे ये देखिए ये बाल्टी में लगा हुआ है पौधा, इसकी मैंने ये पौधा ऐसे ही रख रखा, इसकी गुड़ाई नहीं करी है हल्की, आप इसकी ऐसे गुड़ाई कर देंगे हल्की हल्की, तो इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहेगा और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी उससे। तो आप गुड़ाई करने के बाद इसमें हल्की सी गोबर की खाद डाल देंगे, तो उससे भी पौधे की जो है पोषक तत्व पूरे मिल जाते हैं। गोबर की खाद में कई प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। अब केवल गोबर की खाद से अगर पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, आप गोबर की खाद ही यूज करते हैं तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है उतना, तो आप क्या करिए उसमें, जैसे मैं इसमें जो फर्टिलाइजर देता हूँ, ये देखिए मैं आपको शुरू में दिखाया था, ये इसको इस प्रकार से आप अपने पौधों में हल्का हल्का 1 हफ्ते में आप एक बार देंगे,
तो पौधा जो है जल्दी से फास्ट ग्रो होगा और पौधे की जो पत्तियां हैं वो चमकदार बनेंगी। इससे इस तरीके से आप हल्का हल्का ये फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को बनाने का जो एक तरीका है, सिंपल तरीका है, ये फर्टिलाइजर आपके घर पे ही मौजूद है, आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप दही का यूज करते हैं, दही जो होता है पुराना हो जाता है, तो उसको आप दही का भी यूज कर सकते हैं या मट्ठे का भी। दही जो होता है इसमें बहुत प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए। तो और खासकर जो करी पत्ता होता है, इसमें कैसे यूज करना है दही का आप मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जो दही की मात्रा है, एक कटोरा आप दही लेंगे, उसको आप 1 लीटर पानी में डाल देंगे। 1 लीटर में पानी में डालने के बाद आप उसको 24 घंटे के लिए भिगा कर रखेंगे और उसको बीच बीच में आप घोलते रहेंगे। उससे क्या होगा, न्यूट्रिशन पूरे उसमें पानी में मिल जाएंगे। 24 घंटे बाद वो डिकम्पोज होकर जो आपके पौधे की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। 24 घंटे बाद जब आप उसको पौधों में देंगे तो आप उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। 1 लीटर को आप 2 लीटर पानी, 2 लीटर बना दीजिए। 1 लीटर जो आपका फर्टिलाइजर है उसको आप 2 लीटर बना दीजिए और इस प्रकार से अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें हल्का हल्का 3-4 दिन में जब भी आप पानी देते हैं हल्का इसको भी यूज कर सकते हैं। दही में जो होता है पौधे की जो मिट्टी होती है इसमें पोषक बनती है, इससे जो पौधे की मिट्टी है वो पोषक बनती है, जिससे कि आपका पौधे की जड़ें, जड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आप दही का यूज अपने करी पत्ते के पौधे में करेंगे तो आपका करी पत्ते का पौधा भी इसी प्रकार से घना और जंगल जैसा बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। इस तरीके से आप इस फर्टिलाइजर को यूज करें। और अगर आपने इस फर्टिलाइजर को यूज करा है उसके बाद इसकी ग्रोथ अच्छी हुई या नहीं हुई है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि मैं इस फर्टिलाइजर का यूज करके अपने करी पत्ते के पौधे में हरियाली लाता हूँ। धन्यवाद।